बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए दो विधायकों को सरकार की ओर से राजनीतिक नियुक्ति दी गई है, लिहाजा राज्य सरकार ने विधायक वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंप दी है। ऐसे में वाजिब अली को किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे, जबकि विधायक संदीप यादव को भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। आपको बता दें कि दोनों बसपा विधायकों ने कांग्रेस का दामन थामा था, वहीं चार विधायकों को पहले ही मंत्री और बोर्ड आयोगों में चेयरमैन बनाया जा चुका है। भिवाड़ी शहरी आयुभुक्त भिवाड़ी बोर्ड के चेयरमैन हैं विधायक वाजिब अली को चेयरमैन की यह जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं दिनेश कसाना। जो दिनेश बताएं क्या कुछ जानकारी। देखिए बसपा से कांग्रेस में छह विधायक शामिल हुए थे, विलय हुआ था पार्टी का और छह विधायकों को सत्ता में भागीदारी देने की बात जिस तरह से हो रही थी, चार विधायकों को पहले एडजस्ट किया जा चुका। राजेंद्र सिंह हुड्डा उनको राज्य मंत्री बनाया गया है और इसके अलावा देवनारायण बोर्ड का चेयरमैन बनाया जोगिंदर राणा ओवाना को, लाखन मीणा और दो विधायकों को पहले एडजस्ट किया जा चुका है। तो इस तरह से चार को पहले एडजस्ट किया जा चुका, दो विधायक ये रह रहे थे जिनमें से कल देर रात सरकार की ओर से खाद्य विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से विधायक हैं वाजिब अली को राजस्थान राज्य खाद्य आयोग का चेयरमैन बनाया गया है और इसके साथ ही उनको जो आदेश जारी है उसमें ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते और आर्थिक परिलाभ है वो देय नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से और इसके साथ ही संदीप यादव जो विधायक हैं बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, संदीप यादव को भी भिवाड़ी शहरी आधारभूत विकास बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो इन दोनों विधायकों को भी ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के आदेश जारी हुए हैं। तो इस तरह से अभी बसपा से जो कांग्रेस में छह विधायक शामिल हुए थे सभी छह को सत्ता में भागीदारी सरकार की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जिस तरह से सरकार पर संकट आया और उसके बाद सभी विधायकों को सत्ता में भागीदारी देने की बात हो रही थी, उसी तरह से लगभग सभी विधायकों को तो बसपा से कांग्रेस में जो शामिल हुए थे सभी छह उनको अब सभी छह विधायकों को एडजस्ट किया जा चुका है। पहले पिछले दिनों इन्होंने अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की थी वाजिब अली की ओर से, संदीप यादव की ओर से, और इनका जो नाराजगी जब जाहिर कर रहे थे उस समय राजेंद्र सिंह हुड्डा इनका नेतृत्व कर रहे थे राज्यसभा चुनाव के समय, इन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी, लेकिन अब सरकार की ओर से दोनों विधायकों को भी एडजस्ट किया जा चुका है सरकार में। जी दिनेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे दिनेश कसाना, जिन्होंने पूरी जानकारी दी किस तरह से बसपा विधायक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।